हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने सीटेट सोशल साइंस, आपको पता ही है, पेपर टू में ऑलमोस्ट चीज़ें कंप्लीट कर ली है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है एंड पॉलिटी चल रहा है। पॉलिटी भी आपका बहुत जल्द एक हफ्ते के अंदर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से पैडागोजी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वीडियो बनाने का पर्पज ये है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का कहना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरीके से करें, क्या पीवाईक्यू से जो है क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से किया तो आपके 90 नंबर तो वहीं से आ जाएगा। कैसे, वो अभी हम वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर आपने सोशल साइंस के नोट्स अभी तक नहीं लिया है तो एक हफ्ते तक ही मिलेगा, उसके बाद से नोट्स बंद हो जाएंगे। बाद में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं चला, तो मैंने सोचा बता दूं। जिसे भी लेना है आप सोशल साइंस का नोट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कंप्लीट नोट्स, जहां से 40 नंबर का पूछेगा, डायरेक्ट आपको उसी नोट्स से मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट्स ने लिया है उनको बहुत पसंद आ रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमने इसमें फोटोज, हाईलाइट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एंड इजी लैंग्वेज में यूज़ किया है। बहुत सारे लोग तो हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, ज्योग्राफी भी, एंड अब पॉलिटी का नंबर है। तो आपके पास समय है। वैसे भी आप जानते हो कि 7 जुलाई को पेपर है, जुलाई के बाद से आपको बीपीएससी देखने को मिलेगा। तो ये बचे हुए समय को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। और अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन एंड कमेंट सेक्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आप मैसेज कीजिएगा, टीम के द्वारा मिल जाएगा नोट्स। और जिस भी मीडियम में चाहिए होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि यस, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भाई, पैटर्न बदल चुका है। चाहे कितना भी पेपर टफ हो, अभी जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें सोशल साइंस का, सीडीपी का, बाकी के भी जो क्वेश्चन है, टॉपिक तो देखो सेम रहता है, बस कुछ चीज़ें ये घुमा के पूछ लेते हैं, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस एकदम पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाकर पूछा था, अब हूबहू तो नहीं पूछेगा। जैसे कि स्टेटमेंट वाली अब चीज़ें आती हैं, तो पहले के वन लाइनर क्वेश्चंस को स्टेटमेंट में मोल्ड कर दिया है, एंड पहले के कुछ क्वेश्चंस को एजर्शंस रीजन में, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से हर बार पूछता ही पूछता है। तो मैं आपको बोलने जा रही हूं कि अगर आप सच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे ना, तो बार बार करना होगा, एक बार में तो कुछ नहीं होने वाला है। हर एक पी वाईक्यू को आपको कम से कम 2 से 3 बार करना है। 2 से 3 बार करने पे आपको कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे ही उसके आंसर याद हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस में आपको समझ में आएगा कि आपकी क्या मिस्टेक हो रही है। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से किया है तो 90 नंबर तो वो आएंगे, बाकी के जो नंबर हैं वो आपका जो आपने बार बार मल्टीपल टाइम्स रिविजन किया है उससे होगा। तरीका सबसे पहले बता देती हूँ किस तरीके से करना है, जिसका आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको किसी भी एक साल का पेपर उठाना है, और जब भी आप पेपर करते हो, पेपर करने के बाद से आपको एनालाइज़ करना है। एनालाइज़ करने का भी तरीका है, कॉपी पेन लेकर बैठो, टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज जो भी गलतियाँ हैं, कहाँ पर आप लैग कर रहे हो, उसको अच्छे से लिखना है, फिर उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। और आपको पता है, जैसे ही आपने 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया, आप खुद सोचोगे कि यार ये वाला क्वेश्चन तो पिछले साल भी पूछा था, ये वाला अभी रिसेंटली वाला आप करोगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चंस तो मैंने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, बाकी हमारे चैनल से तो आपको पता है बहुत सारी हेल्प आपको मिलेगी ही, मैराथन होगा, हम लोग पूरी जो है डिटेल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक एक दो दो वीडियोस में आपके सारे पैडागोजी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टैग वर्ड्स, आपका जो है पैसेज की ट्रिक, वो भी आने वाली है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का यही तरीका है कि आपको 2.5 घंटे आराम से देने हैं। अभी घर पे हो, 2 घंटे वैसे एग्जाम में कंप्लीट कर लेना है क्योंकि गोले भी बनाने होंगे, तो 2 घंटे एग्जाम आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी है। जब भी आप करते हो तो आपको 1 से लेके 150 तक अच्छे से करना है, बीच में स्किप मत करो, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, पैसे छोड़ देंगे। कुछ लोग जिनको मैथ्स नहीं पसंद है वो मैथ्स नहीं करेंगे, कुछ लोगों को इंग्लिश में दिक्कत है तो वो इंग्लिश नहीं करेंगे, अपने मन के हिसाब से। अच्छा, सीडीपी है, चलो पहले सीडीपी कर लेते हैं, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बाकी का कुछ नहीं। तो ये गलती मत करो, क्योंकि जो रूटीन आप अभी फॉलो करेंगे वही आपको एग्जाम में भी करना है। ठीक है, अब रिपीट कैसे होंगे, 90 क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं, ये आप जब खुद प्रैक्टिकल करेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। और जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि ये टॉपिक बार बार पूछा है, ये क्वेश्चंस बार बार आ रहा है, आप उसको अपने कॉपी में जरूर नोट करना, अगर आपको लगे कि ये वाली चीज़ें आप भूल रहे हैं। ठीक है, यही 2 तरीके हैं। देखिए, सबसे एक चीज़ तो इंपॉर्टेंट है ही कि हमको एनसीईआरटी पढ़नी है, हमको जो भी पैडागोजी है। देखो, पैडागोजी में क्या होगा, स्टीरियोटाइप से क्वेश्चन पूछेगा ही, डिस्क्रिमिनेशन से क्वेश्चंस पूछते ही हैं। अब ये नहीं है कि वो एग्जाम्पल एकदम से हूबहू छाप देगा, बट वो टॉपिक सेम है। अगर आपको यही नहीं पता है कि प्रिजुडाइज क्या होता है, स्टीरियोटाइप क्या होता है, भेदभाव, इनइक्वालिटी क्या होती है, तो फिर आप कुछ भी एग्जाम्पल वो पूछ दे, चाहे वो रिपीट ही क्यों ना कर दे, आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने टॉपिक्स को क्लियर कीजिए। अगर किसी टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताएं, मैसेज कीजिएगा, मैं उस पर जो है वीडियोज़ लेकर आऊँगी। तो पहले आपको अपने टॉपिक्स को क्लियर करना होगा। अब मान लो जैसे कि भीमराव अंबेडकर जी से हमेशा एक क्वेश्चन पूछता ही है, जो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसे क्वेश्चन पूछेगा ही। अगर आपने वही टॉपिक्स नहीं क्लियर किए हैं तो चाहे आप कितना भी पीवाईक्यू कर लो,
क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना भाई कि इतना लेंदी इतना बड़ा टॉपिक है उसमें से वो कुछ भी नए क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो आपके पास एनसीईआरटी है, पहले आप उसे क्लियर करें, और जैसे ही आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया उसके बाद से 10 साल तो एटलीस्ट आपको करना ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार करोगे तो ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, एक बार में कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। सो पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आप खुद एक बार पहले आप खुद करके देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हूबहू नहीं बट एक एक लाइन जो ऑप्शंस होते हैं ना वो भी एलिमिनेशन में काफ़ी हेल्प करती है। देखिए क्वेश्चंस रिपीट होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो पूरा पैटर्न ही छाप देगा। क्या होता है ना कि एलिमिनेशन मेथड आप जानते ही हो, जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछा है किसी भी साल, अब उस वो क्वेश्चन पूछा है उसका एक आंसर हो गया वन लाइनर में, अब ये आपका स्टेटमेंट में पूछेगा तो आपको ऑलरेडी पता है कि यार ये इसका आंसर तो हो ही नहीं सकता है, तो आपने एलिमिनेट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का और कोई तरीका नहीं है। आपको 2 घंटे अच्छे से देना है, अपनी गलतियों पे काम करना है, अभी भी समय है, आप रिवीजन करो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। अगर आपने अपने नोट्स के रिवीजन नहीं किया है तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बिना रिवीजन के आप एग्जामिनेशन हॉल में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि पहला होगा कि दूसरा होगा, और लास्ट में पहले तो आप पहला कर दोगे जो सही होगा, और लास्ट में जो गलत होता है ना वही हम गोले भर के चले आते हैं, ठीक है। फिर आपको कन्फ्यूज़न होगा, छोटी छोटी चीज़ें भी आपको समझ में नहीं आएंगी, एंड आपको ये भी लगेगा कि यार जैसे कि पढ़ा तो था बट याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, मैंने सोचा कि इसके थ्रू आपको बताया जाए। बाकी जो भी चीज़ें होंगी हमारे चैनल पे आपको जो है अपडेट मिलेगा, टेलीग्राम भी ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर मैसेज कर देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।